एक तो ये बैग है, जो कि बैग लगेगा गाड़ी में। भाई ये अपने अन्नू भाई, ये कर रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस। ये मस्त डेकोरेशन कर दिया। और गाइज लू के थपेड़े चल रहे हैं बैंकर। तो गाइज हो गई है गाड़ी की सर्विस। तो ये हाईकोर्ट आ गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज सुबह ऑफिस से तो मैं आ गया था जल्दी, उसके बाद ऑफिस से आया घर, जिम नहीं गया आज। आज छुट्टी कर ली जिम की, क्योंकि मुझे काम था। और बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा होगा आपको। एक्चुअली मैं सुबह ऑफिस से आते ही खाना खाया, खाना खाने के बाद टिंकल को लेके गया, उसका आधार कार्ड बनवाना था। तो वहाँ गए हम तो आधार कार्ड भी नहीं बना, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया अभी 15 दिन के लिए बंद कर रखा है, सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। और ये ट्रैक्टर वाले को जाने दो, इसको जाने दो पहले। फिर वहाँ से आने के बाद घर आया, घर आने के बाद फिर उसके बाद सोमेंद्र का फ़ोन आ गया कि यार कहीं चलना है, कोई काम था इसको सोमेंद्र को लालकोटी। तो लालकोटी गया और अभी मैं बैठा हूँ, ये हीरो का शोरूम है, हीरो मोटर्स, शुभम मोटर्स के नाम से। तो शुभम मोटर्स के बाहर बैठा हूँ, सोमेंद्र अंदर गया हुआ है, इनकी एक गाड़ी यहीं पे है सर्विस कराने के लिए, इसका भाई देके गया था, तो वो गाड़ी भी लेके जाएंगे। और अभी टाइम हो गया है 2:30, तो 2:30 बजने के बाद देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं यहाँ से, क्योंकि 2:30 तो बज गए हैं अभी यहीं पे। और वो अंदर अभी तो मतलब पेपर्स की जो भी वो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहा है। फिर देखते हैं कितनी देर में ये गाड़ी देते हैं। गाड़ी करीबी है, इन्होंने सही नहीं की है जो भी है, तो उसके बाद बताता हूँ जो भी सीन होता है। वैसे मैं भूल भी तो जाता हूँ कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो वहाँ गए तो वहाँ भी मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और आज तो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, ऑफिस से आते फ्री भी नहीं हुआ, खाना खाया, फिर गया नगर निगम गया, उसके बाद आधार कार्ड वाले ने मना कर दिया, घर आया थोड़ी देर बैठा, फिर यहाँ आ गया। और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार फ्री हो जाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे, या फिर मैं घर पहुँच कर ही मिलूँगा। तो गाइज हो गई है गाड़ी की सर्विस। तो और सर्विस पता है 2200 रुपये की सर्विस करी है, पता नहीं क्या किया, इंजन का काम किया है, नई गाड़ी का या और कुछ किया है, लेकिन 2200 की सर्विस कर दी हीरो वालों ने। और एक ये देखो, ये 2200 रुपये दे के बहुत खुश है, जबकि 300-400 रुपये की सर्विस हो जाती है इसकी, जो कि 2200 रुपये में हुई है। मैं बोल रहा हूँ अल्टो की हो जाती है 2200 में। तो चलो चलते हैं घर। और गाइज लू के थपेड़े चल रहे हैं भयंकर। और देखो रोड पे मतलब बहुत कम गाड़ियां चल रही है, 3 बज रहे हैं और बहुत तेज धूप है। और इधर ये चल रहा सोमेंद्र, और इधर मैं, एक बार पुलिस वाले हैं, थोड़ा रोकता हूँ फिर बताता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हाईकोर्ट आ गया, ये इधर सेंट्रल पार्क, और ये देखो हाईकोर्ट के वकील साहब जा रहे हैं गमछा पहन के। गर्मी नहीं लग रही क्या यार इतना तेज? When you call my line, or did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me, yeah, 'cause I'm running away. I'm looking for space, looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. 'Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. हाँ तो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है 6:30 और मैं 3:30 बजे घर आ गया था। घर आने के बाद मैं फटाफट से टिंकल को ट्यूशन छोड़ करके आया, तो टिंगल ट्यूशन गई हुई थी, फिर उसकी मैडम ने बोला कि 6:15 बजे आ जाना, और 6:30 बज गए। ऐसी आँख लगी कि बहुत अच्छी नींद आई। तो अभी उठ गया हूँ और लेने जा रहा हूँ टिंगल को, तो उसको ले आता हूँ, फिर आकर के आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइज अभी फिर से नहा धोके रेडी, और खाना पीना भी हो गया, और 8:00 बज रहे हैं, और मैं नहा लिया हूँ क्योंकि दिन में परेशान हो गया था पसीने में बहुत ज़्यादा सोमेंद्र के साथ जाके। तो फिर मतलब 3:30 बज गए थे, अप्रोक्स 4:00 बज गए थे घर आते आते, फिर टिंकल को छोड़ के आया, फिर ट्यूशन, फिर उसको मतलब आते ही नींद आ गई, फिर उसको लेकर के आया। तो अभी अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, तो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, क्योंकि खाना खा लिया है तो थोड़ा टहलना भी ज़रूरी है, उसके बाद गाड़ी खड़ी करनी है,
फिर मिलता हूँ अगर आपसे, नहीं तो सुबह मिलेंगे फिर। I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. How did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me, yeah, 'cause I'm running, running away, running away. हाँ तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और नाइट में तो थोड़ा लेट भी हो गया था और थक गया था। अभी जिम पहुंच चुका हूँ और कार्डियो स्टार्ट हो गया है, तो मिलता हूँ एक बार कार्डियो कंप्लीट करके। हाँ तो गाइस फिलहाल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और कार्डियो पूरा कंप्लीट, तो अभी चलते हैं घर और घर मिलता हूँ। और टाइम हो गया है 10:30, तो आज लेग्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज लगाई है, मतलब जो बॉडी पार्ट है ना उसमें लेग्स की एक्सरसाइज लगाई है। तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट है अपनी, अब घर निकलते हैं। सब जा चुके हैं, कोई भी नहीं है जिम में, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे तो लगा रही है खैर एक्सरसाइज। तो निकलता हूँ घर के लिए और घर मिलता हूँ आपसे। गाइस घर पहुँच चुका हूँ मैं और ये पसीने का जैकेट टिंकल की मम्मा को दे देता हूँ। एक बार फुल गीला हो चुका है तो खोल के इसको पकड़ा देता हूँ, सुंगाने के लिए भी तो चाहिए। टिंगल आप ले लो ये। हाँ तो गाइस फिलहाल मैं आया हूँ अभी गाड़ी की सर्विस करवाने, और सर्विस हो रही है जिम से आने के बाद, डायरेक्ट सर्विस करवाने आ गया था मैं। तो फिलहाल भैया ने गाड़ी खोल दी है पूरी, और अभी तो टाइम लगेगा, 1:30 बजे के लिए बोला था और टाइम अभी 1:30 तो बज ही गया है। खैर देखते हैं कितना टाइम लगता है। और पूरी गाड़ी खुल चुकी है आगे से, क्योंकि इसमें ऑयल निकल रहा था नीचे से इंजन में से, तो देखते हैं। ये देखो ये यहाँ से पूरी खुल चुकी है, उसमें बहुत काम होना है अभी। तो ये इसके पड़े पार्ट्स और बाकी तो अभी वो सही होने गया है जो लगाएंगे इसके, और सर्विस भी कराएगा, काफ़ी टाइम हो गया था तो पीछे चल रही है सर्विस। मड गार्ड फिट हो रहा है, मड गार्ड तोड़ दिया था बंदा ने, तो वो फुट रेस भी इसका चेंज होना है, फुट रेस भी टूट रखा है। मेन चीज़ यही थी इंजन का, तो इंजन का हो रहा है अभी। इंजन का मतलब कि इसकी पैकिंग शायद लीक हो गई थी, तो पैकिंग नहीं डलेगी, तो देखते हैं कब तक होती है पूरी। तो भाई ये अपने अनु भाई ये कर रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विस, और इनके पंखा दिखाता हूँ, पंखा बड़ा ज़ोरदार है। ये देखो कूलर का एग्जस्ट लग रहा है, मस्त हवा दे रहा है, और उधर कूलर भी है। तो देखते हैं कब तक सही होता है। साइलेंसर भी खुल चुका है गाड़ी का और ये पार्ट्स भी पड़े हैं, और जब तक वो सही हो के आता है तब तक देखते हैं कब तक सही होता है। और सबसे मेन चीज़ है कुर्सी, एक कुर्सी बड़ी ज़ोरदार है, इस पर बैठा हूँ, इसके मतलब नीचे का स्टैंड सब टूट चुका है। मज़ा आ रहा है इस पर बैठने के लिए, बहुत मस्त मज़ा है, एकदम कंफर्ट है, आराम से बैठ रहे हो फर्स्ट क्लास। तो इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ और इधर गाड़ी की सर्विस हो रही है। और जो मेन चीज़ जो इंजन का जो आगे का हेड था ना, वो ये ठीक कराने के लिए दे करके आए हैं कहीं पे, तो उसको लेवल किया जाएगा पूरा, फिर उसको लगाया जाएगा, फिर उसमें नई पैकिंग की जाएगी, तो ये सब चीज़ें होगी। तो देखते हैं कब तक होता है, बाकी अभी तो टाइम लग रहा है, ये 1:30 तो बज गया, मैं 12:30 बजे आ गया था वैसे। एक तो ये बैग है, जो कि ये बैग लगेगा गाड़ी में, और इसी के अंदर सामान है पूरा, ये पैकिंग किट है, ओरिजिनल हीरो की जिनाइन पार्ट है, तो ये पैकिंग किट लगेगी। ये ऑयल है और ये एक फुटरेस है, और ये इसकी क्रीम है। मडगार्ड अनु भाई ने लगा दिया है, क्लच लीवर लगा दिया है अनु भाई ने, तो और 2-3 चीज़ें और लगा दी है। तो अभी करवाते हैं गाड़ी की सर्विस, बाकी बिट्टू भी आएंगे जब पता पड़ेगा पूरा, तो ये और क्या क्या हो बाकी है, क्या क्या होना है इसमें। तो गाइस बढ़िया सर्विस हो चुकी है अपनी गाड़ी की,
वो मस्त देखो, नई नई लग रही है एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ से भी दिखाऊँ, ये भी मस्त नई नई लग रही है यहाँ से। और ये बिंदा घूम रहा है, ये थैला भी लगा दिया है नया थैला, जैसे कोई सामान वामान रखने के लिए। तो बढ़िया मस्त सर्विस हो गई है। लेकिन है ना, जनरली सबकी गाड़ी की सर्विस है ना, मतलब जो इन मॉडल्स की बाइक की सर्विस 500 रुपये समथिंग में हो जाती है, लेकिन मेरी गाड़ी की हमेशा 1500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये की समथिंग होती है। तो अब की बार भैया ने बोला है कि अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी इंजन में, जो कि यहाँ दिक्कत आ रही थी। तो अभी ठीक है, घर पहुँच गया हूँ। तो गाइज नहा धो के ऑल सेट। तो अभी गर्मी है तो मैं गर्मी में 2 टाइम नहाना तो प्रेफर करता ही हूँ। लेकिन अभी तो क्या है कि जैसे सुबह नहा के जाता हूँ 6 बजे, फिर उसके बाद जिम आता हूँ, जिम से आगे नहाने के बाद नहाता हूँ और फिर शाम को भी नहा लेता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और कल तो जयपुर में 45 डिग्री था, तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो अभी चलते हैं, पड़ोस में शादी है तो वहाँ थोड़ा काम वाम कराते हैं उनके, और चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये मस्त डेकोरेशन कर दिया यहीं पे धर्मशाला में, और गजब लग रही है। और उधर सामने नाश्ते का है जो मंदिर के आगे है, और इधर स्टेज है जो बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ शादी में से, और खाना पीना अपना हो गया है, बढ़िया खाना वाना खा के आ गया था, बहुत अच्छा था। और तैयारी भी बहुत अच्छी थी शादी के हिसाब से, लड़की की शादी थी तो अच्छी शादी थी। तो खैर घर पहुंच गया हूँ खाना वाना खा के। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपनी एसी भी चल गई है तो अभी मस्त सोते हैं, तब तक के लिए बाय।